ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। जम्मू कश्मीर का मुद्दा धारा 370 के हटने के बाद से ही देश की राजनीति में बना हुआ है। पाकिस्तान जो तमाशा कर रहा है वो तो अलग ही है, लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए, यही कारण है कि पूरी तरह से सैन्य बलों की निगरानी में अब तक वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जो चिंता का विषय बने। इसलिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों की संख्या में कटौती करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने कश्मीर से 7,000 से अधिक अर्धसैन्य जवानों की तुरंत वापसी का आदेश दिया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 72 कंपनियों को देश भर में अपने अपने स्थानों पर लौटने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों की इन टुकड़ियों को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया जाने के बाद कश्मीर घाटी में भेजा गया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24 कंपनियों, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की 12-12 कंपनियों को वापस भेजा जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में घाटी से ऐसी करीब 20 कंपनियों को वापस भेज दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के विकास मामलों और सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय केवल्ला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू और केंद्र शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार समेत दूसरे अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री भी इस बैठक में थोड़ी देर के लिए शामिल हुए थे। जाहिर है घाटी से सुरक्षा बलों का हटना ये संकेत देता है कि कश्मीर के हालात अब सामान्य हो चले हैं। इसको लेकर चाहे कोई कितना भी आरोप लगाए, लेकिन कश्मीर अब नॉर्मलसी की तरफ बढ़ चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान भले ही छटपटाता रहे, कश्मीर का ये सच उसे लगातार परेशान करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।